आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में कैसे पूजा करें, क्या मुहूर्त है, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। शारदीय नवरात्र, पहले तो जानिए घट स्थापना और पूजा का क्या मुहूर्त है। हिंदू त्योहारों का महत्वपूर्ण पर्व नवरात्र 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर तक रहेगा। इस बार प्रतिपदा तिथि 2 दिन होने के कारण नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिन रहेंगे। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन प्रायः और संध्या के समय माँ दुर्गा का पूजन व आरती करनी चाहिए। जो जातक पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख सकते, वह अष्टमी या नवमी के दिन उपवास रखकर हवन व कन्या पूजन कर माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। कलश स्थापना का मुहूर्त, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। 1 अक्टूबर को सुबह 6:20 से लेकर 7:30 तक का समय कलश स्थापना के लिए विशेष शुभ है। नवरात्र व्रत की शुरुआत प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना से की जाती है। क्या है कलश स्थापना की विधि? धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में श्री विष्णु जी का निवास है, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा जी स्थित हैं और कलश के मध्य में देवी मातृ शक्तियों का निवास है। पूजन सामग्री, पहला जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ, कलश में भरने के लिए शुद्ध गंगा जल, मोली, इत्र, साबुत सुपारी, दुर्वा, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश ढकने के लिए मिट्टी का दिया, कलश के ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे हुए चावल, पानी वाला नारियल, नारियल पे लपेटने के लिए लाल कपड़ा। कलश के चारों ओर गीली मिट्टी लगाकर उसमें जौ बोना चाहिए। जौ चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे न दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मौली बांध दें। तत्पश्चात कलश में शुद्ध जल गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी दुर्वा फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दें। कलश में पंचरत्न डालें। कलश में कुछ सिक्के डाल दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। अब कलश के मुख में मिट्टी स्टील की कटोरी से बंद करें। उस कटोरी में चावल भर दें। नारियल पर लाल कपड़े लपेट कर मोली में लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रख दें। नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरह रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। कलश को उठाकर जौ के पात्र के बीचों बीच में रख दें। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रखें। कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करें।
सभी देवी देवता और माँ दुर्गा आप सभी 9 दिन के लिए इसमें पधारें, ऐसी प्रार्थना करें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें, धूप बत्ती कलश को दिखाएं, कलश को माला अर्पित करें, कलश को फल मिठाई अर्पित करें, कलश को इत्र समर्पित करें। माँ दुर्गा की चौकी स्थापित करने की विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश के दाई ओर रखना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नव दुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के अभाव में नव निर्माण मंत्र युक्त यंत्र को स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा आप 9 दिन के लिए इस चौकी में पर विराजिए। उसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए, धूप दिखाइए, फूल माला इत्र समर्पित कीजिए, फल मिठाई अर्पित कीजिए। क्या है नवरात्रि की तिथियाँ? 2016 में नवरात्रि की जो तिथि है वो इस प्रकार है। पहला दिन 1 अक्टूबर 2016। इस दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त शुभ सुबह 6:20 से लेकर 7:30 तक का है। प्रथम नवरात्र के देवी शैलपुत्री रूप का पूजन किया जाता है। दूसरा दिन 2 अक्टूबर। इस वर्ष प्रतिपदा तिथि 2 दिन होने की वजह से आज भी देवी शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 3 अक्टूबर नवरात्र के द्वितीय तिथि को देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। चौथा दिन 4 अक्टूबर 2016 तृतीय तिथि को देवी दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की आराधना की जाती है। पांचवा दिन 5 अक्टूबर नवरात्र पर्व की चतुर्थी तिथि को माँ भगवती के देवी कुष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। छठा दिन पंचमी तिथि को भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। सातवां दिन 7 अक्टूबर नारद पुराण के अनुसार अश्विन शुक्ल षष्ठी माता को माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। आठवां दिन 8 अक्टूबर नवरात्र पर्व की सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। नौवां दिन 9 अक्टूबर अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। दसवां दिन 10 अक्टूबर नवरात्रि पर्व की नौमी तिथि को देवी सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्र में नव दुर्गा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण होता है। 11 अक्टूबर 2016 बंगाल कोलकाता आदि जगहों पर जहाँ काली पूजा या दुर्गा पूजा की जाती है वहाँ 10वें दिन दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। और भी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।